तो दोस्तों क्या हाल है, आपका स्वागत है फैक्ट प्रजापति में। क्या आपको लगता है कि जहर एक्सपायर होता होगा? जैसे कि दवाई एक्सपायर होने के बाद जहर बन जाती है, तो जहर एक्सपायर होने के बाद क्या बनेगा? आपके मन में भी ऐसे सवाल आते होंगे। जहर एक्सपायर होने के बाद और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। एक्सपायर का अर्थ है समय सीमा समाप्त हो जाना। जो दवाई किसी बीमारी से लड़ने के लिए बनाई गई है वह सही से असर नहीं करेगी और इससे परेशानी भी पैदा हो सकती है हमारे शरीर में। इसलिए किसी भी दवाई को खाने से पहले उनकी एक्सपायरी डेट जांच ले। जहर या पॉइजन भी किसी न किसी रासायनिक पदार्थ से ही बने होते हैं और इसमें भी विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। इस कारण इनके समय अवधि समाप्त होने के बाद यह भी अन्य दवाइयों की तरह एक्सपायर हो जाती है। ऐसा होने पर वह अत्यधिक क्रियाशील हो जाएगा या क्रियाशील पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, यानी कि जहर और क्रियाशील होकर नए प्रकार का जहर बन जाएगा या फिर जहर की विषाक्तता कम हो जाएगी, यानी कि पॉइजनिंग कम हो जाएगी, अविषाक्त यानी नॉन पॉइजनस हो जाएगा। परंतु इतना तय है कि जहर वो काम नहीं करेगा जिसके लिए बनाया गया है। तो दोस्तों क्या हाल है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों बाय बाय।